हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डाटा स्टडी। आइए शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो में भारत के प्रमुख आयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट अपडेट की जानकारी मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन वीडियो का, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी और निर्वाचन आयोग किस प्रकार संस्था है। तो निर्वाचन आयोग से संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त अर्ध न्यायिक संस्थान है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है निर्वाचन आयोग कैसी कैसी संस्था है, संवैधानिक या असंवैधानिक या अर्ध न्यायिक। तो यह क्या है, एक अर्ध न्यायिक एवं स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कई बार पूछा गया कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को इसकी आई स्थापना हुई थी। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना क्यों की जाती है, ताकि जो चुनाव प्रतिनिधियों का चुनाव कराया जा सके, इसी के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाती है। इसके मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष सुनील अरोड़ा हैं। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और निर्वाचन आयोग कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक आपका निर्वाचन आयोग पाया जाता है। तो इस प्रश्न का यह रहा आंसर। आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, या किस प्रकार की संस्था है, यह कैसा कार्य करती है। तो आइए इन सभी प्रश्नों के से संबंधित आंसर प्राप्त करते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग, जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे बहुत सी जनसंख्या होती है तो उसके लिए एक शासक होना चाहिए, तो उसी के लिए उसी शासक या और काम करने वाले लोग, काम करने के लोग होते, तो क्या सभी लोग काम नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ विशेष कार्य विशेष प्रकार से उनको तैयार किया जाता है और विशेष किसी भी क्षेत्र के लिए कुछ विशेष लोग कुशल लोगों की आवश्यकता होती है, तो उन्हीं की कुशलता को परखने के लिए एक एग्ज़ाम करवाया जाता है ताकि हम कुछ अच्छे लोगों को जो है अपनी सेवाओं में शामिल कर सकें। तो इसी के लिए ऐसी ही संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना इसी के लिए किया गया है, कुछ कुशल व्यक्तियों को ढूंढने के लिए, ऐसा कह सकते हैं हम। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कैसी निकाय संघ लोक सेवा आयोग है, तो संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में क्या है वर्णित है, इसके बारे में वर्णित है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये यहाँ दिख आपको दिखाई दे रहा होगा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में, 93 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, अरविंद सक्सेना है। और इसका मुख्यालय कहाँ, तो इसका मुख्यालय धौलपुर हाउस शाहजहाँ रोड नई दिल्ली है, इसका मुख्यालय है। तो ये रहा इसका आंसर। आइए देखते हैं आपका अगला आयोग। अगला है योजना आयोग। तो योजना आयोग क्या है, यह किस प्रकार का कार्य करता है भारत में, इसकी स्थापना कब हुई थी, इन सभी प्रश्नों के आइए आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। तो भारत का एक योजना आयोग, जैसे पता है कि बहु एक जनसंख्या निश्चित एक जनसंख्या के लिए हमें कुछ सरकार जब बनती है तो सरकार के कुछ योजनाएं लाती है, तो उन योजनाओं को
इसके लिए लाने के लिए कोई एक इसकी विशेष स्कीम बनाई जाती है। उसी स्कीम के अंतर्गत सरकार लोगों को क्या करती है, लाभ देने लाभ देती है। तो उसी प्रकार की एक योजना आयोग भी लोगों को लाभ देने के लिए संस्था बनाई गई। ये भारत सरकार की संस्था है जो पंचवर्षीय योजना है, इसका काम था पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। 2014 में इसका नाम बदल दिया गया है और वर्तमान में इसका क्या नाम है, वर्तमान में इसका नाम है नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो भारत में योजना के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं। कई बार पूछा गया है कि योजना आयोग किस प्रकार, क्या संवैधानिक निकाय है, तो भारत तो यह कोई इसी प्रकार कोई संवैधानिक निकाय नहीं है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और इसको भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और यह इसकी सर्वप्रथम अध्यक्षता किसने की थी, इसकी सर्वप्रथम अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1950 में 15 मार्च 1950 की स्थापना हुई, पहली अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। और यह इसको सरकार के थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है। यह कोई संवैधानिक निकाय नहीं है और यह पंचवर्षीय योजनाओं को लाने के लिए यह स्कीम लाई गई थी। इसका नाम बदल के वर्तमान में नीति आयोग कर दिया गया है। तो कब, 2015 में। तो ये रहा इस क्वेश्चन संबंधित पूरी जानकारी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। अगला है आपका वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या है, कौन से अनुच्छेद में ये इसके बारे में वर्णन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, और भी बहुत से इसे संबंधित प्रश्न। आइए देखते हैं इनका आंसर। तो भारतीय वित्त आयोग की स्थापना, तो भारतीय वित्त आयोग की बात करते हैं, तो वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1951 को हुई थी। यहाँ दिया है 22 नवंबर 1951 को वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ, मुख्यालय नई दिल्ली है। इसके चेयरमैन कौन है, तो एनके सिंह इसके चेयरमैन हैं। और कौन से आर्टिकल में भी ये पाया जाता है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। इन सभी प्रश्नों के, बहुत से प्रश्नों के आपको आंसर प्राप्त हो गए होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो ये रहा आपका वित्त आयोग। आइए देखते हैं आपका अगला, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई, ताकि विश्वविद्यालयों को एक नियंत्र उसका नियंत्रण किया सके और उसको चलाया जा सके, ताकि भारत के लोग जो है यु बच्चों को शिक्षा दी जा सके और भारत को का विकास अच्छे प्रकार से किया जाए। आइए देखते हैं इन सभी इसके संबंधित प्रश्न। तो भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो इसकी बात करते हैं, यह केंद्र सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। तो यह किस प्रकार का है, कई बार पूछा जाता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या करता है, तो इसका काम है विश्वविद्यालयों को मान्यता देना। इसका मुख्यालय कहाँ, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके 6 क्षेत्र हैं, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बंगलुरु। तो इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, तो धीरेंद्र पाल सिंह, डीपी सिंह के नाम से जाने जाते हैं। धीरेंद्र पाल सिंह वर्तमान में यूजीसी के क्या हैं, अध्यक्ष हैं, चेयरमैन यूजीसी कौन है, डीपी सिंह, धीरेंद्र पाल सिंह इसके अध्यक्ष। तो ये रहा इससे संबंधित इस प्रश्न संबंधित आंसर। आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन।
केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई, और भी बहुत से इससे संबंधित प्रश्न, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था, जैसा कि आपको पता है जहाँ बहुत से लोग होते हैं तो भारत में लोग क्या करते हैं, काम करवाने के लिए अपनी तरफ से पुरस्कार इनाम या कुछ भी देते हैं, तो इस सभी को क्या कहता है, एक प्रकार का भ्रष्टाचार। जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी के पब्लिक के द्वारा उसका इनाम लेता है या पुरस्कार लेता है तो इसको रिश्वत के नाम से जाना जाता है। तो इसको रोकने के लिए संथानम समिति आई और संथानम में सिफारिश की गई और संथानम समिति ने एक केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की। इसकी स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। तो पूछ कई बार पूछा केंद्र से, तो यह क्या है, एक बहुसंसदीय संस्था है, बहुसदस्यीय संस्था है और इसे संविधिक दर्जा प्राप्त है, या स्टेचुरी बॉडी है एक प्रकार से केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसकी स्थापना कौन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की, तो संथानम समिति की सिफारिश पर सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। वर्तमान में सतर्कता आयोग के आयुक्त तो कौन है, तो केवी चौधरी और शरद कुमार वर्तमान में सतर्कता आयुक्त हैं। मुख्यालय इसका कहाँ, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और 11 फरवरी 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। यह रहा इसके संबंधित पूरा एनालिसिस। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रश्न रह जाए या कोई भी कुछ संबंधित आपको समस्या आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन करिए, हम आपको उसका आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय अनुसूचित जात आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जात आयोग की स्थापना कब हुई, क्यों की गई, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो इन सभी प्रश्नों के आंसर जानने का ये प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जात आयोग, तो भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसकी स्थापना 1 अगस्त 1978 को हुई थी और पहले इसके अध्यक्ष थे श्री भोला पासवान शास्त्री, इसके पहले अध्यक्ष थे। नवासीवां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जिसे राष्ट्रीय अनुसूचित जात आयोग जनजात आयोग के दो भागों में विभाजन कर, तो राष्ट्रीय पहले अनुसूचित जात आयोग बना था 1 अगस्त 1978 में, 2003 में जिसका विभाजन कर दिया गया नवासीवां संविधान संशोधन द्वारा और इसको दो भागों में विभाजित कर दिया, अनुसूचित जात आयोग एवं अनुसूचित जनजात आयोग। अनुसूचित जात आयोग कौन से अनुच्छेद में है, तो 338 का में अनुसूचित जात आयोग है और अनुसूचित जनजात आयोग अनुसूचित जात आयोग अनुच्छेद 338 में है और अनुसूचित जनजात आयोग 338 का में है। तो ये रहा इससे संबंधित आंसर। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, पहले अध्यक्ष श्री भोला पासवान थे और नवासी संविधान संशोधन में इसका संशोधन कर इसके दो भाग कर दिए गए, अनुसूचित जात आयोग अनुसूचित जनजात। आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वोमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, ये किस प्रकार की संस्था है और ये कैसे किस प्रकार का कार्य करती है, तो आइए इन सभी प्रश्नों का आंसर जानने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, मैं भारत में महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी निकाय है और यह महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कार्य करती है। इसके भारतीय संसद द्वारा 1990 में यह अधिनियम पारित किया गया और यह एक संविधिक निकाय है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। यह शिकायत का स्वयं संज्ञान लेकर महिलाओं के संविधान के तौर कानूनी सुरक्षा उपाय लागू कराती है। आयोग की पहली प्रमुख
सुश्री कांटा पटनायक थी। कई बार पूछा गया है कि महाराष्ट्र महिला आयोग की स्थापना कब हुई, तो इसकी महिला इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। यह महिलाओं की सुरक्षा संबंधित काम करती है और इसकी पहली अध्यक्ष कांटा पटनायक कौन थी, ये देखो यहाँ दिया है आपका, कांटा पटनायक पहली महिला अध्यक्ष थी। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है, इस वर्तमान में इसकी अध्यक्ष रेखा शर्मा को बनाया गया है, ये देखो यहाँ दिया है रेखा शर्मा। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं। आपको सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे ऐसा। देखिए इसकी स्थापना 1992, कांटा पटनायक इसके क्या हैं पहली प्रमुख थी। वर्तमान में रेखा शर्मा को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। रेखा शर्मा आपको भी ये आंसर आप इस क्वेश्चन के ये रहा आंसर। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, तो इस नेशनल माइनॉरिटी कमीशन या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसके उद्देश्य क्या थे, यह किस प्रकार कार्य करती है, यह कैसी संस्था है। तो आइए इन सभी प्रश्नों का आंसर जानते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और महिला आयोग दोनों की स्थापना 1992 में हुई थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। अल्पसंख्यक अधिनियम के निगमन के साथ इसकी स्थापना हुई थी और पहले अध्यक्ष इसके थे कौन, तो मोहम्मद मोहम्मद सरदार अली, ये देखिए मोहम्मद सरदार अली खान इसके पहले कौन थे, इसके आयोग के अध्यक्ष, पहले आयोग के अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का आंसर ये रहा 1992 में इसकी स्थापना और पहला आयोग के अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान इसके पहले अध्यक्ष थे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये क्या है, किस प्रकार संस्था है, कौन सा अनुच्छेद में इसके बारे में दिया गया है और इन सभी से संबंधित आइए प्रश्नों का पूरा एनालिसिस करते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है, एक स्वायत्त विधिक संस्था, कौन सी संस्था भैया, एक स्वायत्त विधिक संस्था। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। यह क्या करता है, तो यह मानव अधिकारों को संरक्षण देने का कार्य करता है। अब जैसे पूछेंगे आप मानव अधिकार कैसे, किस प्रकार की मानव का अधिकार संरक्षण करता है, क्या साहब जो गुंडा मवाली होगा, जो आतंकवादी होगा, क्या उसके भी अधिकारों को यह संरक्षण देगा, तो हम कहेंगे हाँ साहब ये उसके भी अधिकारों को संरक्षण करेगा। तो कहोगे आप कैसे, तो हम कहेंगे ऐसे कि ये कहता है कि वो ये नहीं देखता कि उसने क्या किया है, बस इसका ये देखता है, मानव अधिकार आयोग देखता है कि वो एक मानव है और मानव को जो सही मूल्य हैं वो उसको दिए जाने चाहिए। तो ये इस प्रकार उसको नज़रअंदाज करता है, इनके सोचने के नज़रिए काफ़ी ऊपर होता है, ये उस व्यक्ति को, इस मानव को, उसके सभी गुणों को छोड़, उसके सभी दोषों को छोड़ देता है और उसको ये केवल ये वो देखते हैं कि एक मानव है और मानव के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर ये चर्चा करता है। वो चाहे आतंकवादी हो, गुंडा हो, या किसी का कत्ल करके गया हो, या कुछ भी करके गया, ये वो नहीं देखता। तो ये मानव अधिकार आयोग है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना साहब उन उन 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। कौन से अधिनियम के द्वारा, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। यह बहुत सदस्य निकाय है, इसके प्रथम न्यायमूर्ति अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में एच एल दत्तू इसके अध्यक्ष हैं, पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, एच एल दत्तू इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। 1991 में पेरिस में मानव अधिकार संरक्षण के संवर्धन राष्ट्रीय संस्थान द्वारा आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में इसे अंगीकृत किया गया था और 20 दिसंबर 1993 में राष्ट्रीय
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प लिया गया और इसकी भारत में स्थापना, इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1993 को हुई थी। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इसीलिए यह क्या है, एक सरकारी संस्था है। कैसी संस्था? सरकारी संस्था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। संस्था कार्यपालक HL दत्तू, पहले रंगनाथ मिश्रा और वर्तमान में HL दत्तू इसके कार्यपालक या चेयरमैन हैं। तो ये रहा इससे संबंधित सभी प्रश्न का आंसर। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित सभी प्रश्न। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यह भी एक प्रकार का आयोग है जो पिछड़े लोगों के हितों की रक्षा करता है। यह एक संवैधानिक निकाय है। 123वीं संविधान संशोधन विधेयक 2018 और इसे संवैधानिक निकाय बनाने के लिए 102वां संविधान संशोधन किया गया। इसकी स्थापना कब की थी? स्थापना कब की गई थी? तो पिछड़ा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 14 अगस्त 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और मंत्री कौन है? थावर चंद्र गहलोत इसके मंत्री हैं। तो ये रहा इससे संबंधित सभी प्रश्न के आंसर। आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट की जानकारी आपको समय समय मिलती रहे। मैं वीरेंद्र आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता हूँ, बस आप लोग मेहनत करिए और मेरे चैनल जो है अधिक से इसको अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने की करवाने की कोशिश करिए। तो इसी तरह सही अपना साथ सही साथियों अपना सहयोग देते रहिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।